एकेडमिक मैथमेटिक्स पे आप सभी लोगों का स्वागत है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 16 डिस्कस किया था, तो चलते हैं आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 डिस्कस करते हैं। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन क्या करा, इफ द एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। आइसोसेलेस ट्रायंगल उसका एरिया दे रखा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड द लेंथ ऑफ इच इक्वल साइड। लेंथ जो आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है कि जिनकी दो साइड्स इक्वल होती हैं, तो वो दोनों साइड्स कितनी दी गई हैं, 30 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड इट्स बेस, उसका बेस फाइंड करना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक, ए बी एंड सी, ये हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो इसके इक्वल साइड, मान लेते हैं ये दोनों इसके आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये दोनों साइड्स इक्वल हैं। ठीक है, तो ये 13 हो जाएगा, ये भी 13 हो जाएगा, करेक्ट। अब बेस, बेस यहाँ पे क्या दिया गया है, एरिया, एरिया इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इक्वल साइड्स क्या दी गई हैं, 13 सेंटीमीटर। हम क्या करते हैं, बेस को लेट कर लेते हैं, बेस इज इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, बेस को हमने लेट कर लिया, तो बेस हमारा कितना हो गया, एक्स सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या करते हैं, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या करना है, कंस्ट्रक्शन करना है कि एक परपेंडिकुलर हम बीसी साइड पे बना देते हैं। ठीक है, तो परपेंडिकुलर बनाएंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर क्या करता है, हमेशा 90 डिग्री पे बनता है, इसका 90 डिग्री हो गया दोनों तरफ, करेक्ट। ये पॉइंट हम लेट कर लेते हैं, डी पॉइंट है। ठीक है, तो हमने क्या कंस्ट्रक्शन किया इसमें, ए डी परपेंडिकुलर साइड बी सी, ये हमारा कंस्ट्रक्शन हो गया। तो अब अगर देखें हम, तो ये साइड कितनी होगी भाई, और एक चीज और, जो परपेंडिकुलर होता है, अगर ये दोनों साइड इक्वल हैं, तो परपेंडिकुलर जो होगा वो इन दोनों साइड को भी इक्वली डिवाइड करेगा। ठीक है, तो अगर ये होल साइड एक्स सेंटीमीटर है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्स बाई टू बाई हाफ हो जाएगा, और ये भी हमारा एक्स बाई टू हो जाएगा, करेक्ट। तो अब अगर हम देखें, तो एक हमारा ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। ठीक, मींस राइट एंगल ट्रायंगल ए बी डी, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी डी। ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब इसमें हम क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा लेते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, करेक्ट। अब सारी वैल्यूज रख देते, ए बी कितना दिया गया, 13, ये 13 का स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू ए डी हमको फाइंड करना, तो ए डी को हम ए डी स्क्वायर ही पड़ा रहने देते, प्लस बी डी हमारा क्या दिया गया है, एक्स बाई टू होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा 13 का स्क्वायर 169 इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर करेंगे, एक्स स्क्वायर बाई टू का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे ए डी स्क्वायर कितना बचा, ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू, हम इसको दूसरी तरफ लेके आ जाते हैं, 169 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4, ये हमारा, इसको हम पहला इक्वेशन मान लेते हैं। ठीक, तो पहला इक्वेशन क्या आ गया, वो हम अलग लिख लेते हैं, इसको इरेज कर दे रहे हैं, बाकी इक्वेशन हम लोग यहां लिख लेते हैं आगे प्रोसेस करने के लिए। फर्स्ट इक्वेशन क्या आया,
डी स्क्वायर इज इक्वल टू 169 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4। ठीक है, ये पहला ही क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन में एरिया दे रखा है, एरिया इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हम एरिया का फॉर्मूला लगाते हैं, एरिया इज इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, एरिया कितना दिया गया 60 इज इक्वल टू हाफ, बेस कितना है एक्स इंटू हाइट कितना है एडी, तो हाइट हम एडी रख देते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा एडी इज इक्वल टू 60 है 60 रख लेते हैं। ठीक, अब ये देखो 2 जो है एडी के साथ डिवाइड है, तो ये 60 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा बाय एक्स, क्या है मल्टीप्लाई है तो ये 60 के साथ डिवाइड हो जाएगा। करेक्ट, तो ये हमारा एडी कितना आ जाएगा, एडी इज इक्वल टू 62 120 बाय एक्स। ठीक, अब हमको इसको क्या करना है कि इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। भाई एडी स्क्वायर दिया हुआ तो इस फॉर्म में हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे, क्या करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, बोथ साइड का स्क्वायर कर देंगे, तो ये हमारा कितना हो जाएगा एडी स्क्वायर इज इक्वल टू 120 बाई एक्स का होल स्क्वायर। करेक्ट, तो ये हमारा इक्वेशन सेकंड आ गया। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को कंपेयर कर लेते हैं। एडी स्क्वायर है मींस कि अगर इसका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होंगे, तो हम लोग क्या करते हैं राइट हैंड साइड को इक्वल कर लेते हैं। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ये हमारा 169 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू 120 बाई एक्स का होल स्क्वायर। तो हम लोग क्या करते हैं इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये हमारा कितना हो जाएगा, यहां पे बेस सेम करेंगे तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 9 जा 36, 4 6 24, 24 3 27, 4 1 जा 4 2 6, माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू 120 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, अगर 12 का स्क्वायर देखें तो हम 144 होता है, तो 144 और 10 इसका स्क्वायर करेंगे, 00 हो गया। ठीक है, एक्स स्क्वायर। करेक्ट, अब इसको हम लोग क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या हो जाएगा एक्स पावर 4 अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स पावर 4 हो गया, इसमें एक्स स्क्वायर का 676 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, अब हम एक्स स्क्वायर का 676 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 676 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 4 से मल्टीप्लाई करते हैं 0 0, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 1 17, और 4 1 जा 415। ठीक है, अब इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेते हैं। ठीक, तो ये हमारा हो जाएगा, दूसरी तरफ लेके चलते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को हम इस तरफ लेके आएंगे तो प्लस एक्स एक्स की पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, और ये टर्म हमारा राइट हैंड साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 676 एक्स स्क्वायर
प्लस, ये यहीं पड़ा है तो ये प्लस में हो जाएगा, 5760 इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। चलते हैं अब हम ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। ये सारा इरेज कर दे रहे हैं, इक्वेशन क्या आया, x पावर 4 माइनस 676 एक्स स्क्वायर प्लस 5760 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हमको ये देखना है कि ये जो हमारा नंबर है, ठीक, 676 का, इसका ऐसे फैक्टर करने हैं कि इसका प्लस हो के या माइनस हो के 676 रहे और इसका मल्टीप्लाई 57600 हो जाए। तो हम क्या करते हैं, अगर इसको हम डिवाइड करें तो ये हमारा 576 और 100 का मल्टीप्लाई है, ठीक, और इसी चीज को अगर हम ऐड कर देंगे तो हमारा 676 मिल जाएगा, करेक्ट। तो यही हमारे फैक्टर हो जाना है, हम कर लेते हैं, x की पावर 4 माइनस 576 प्लस 100 एक्स स्क्वायर प्लस 576600 इज इक्वल टू 0। भाई ये फैक्टर हो गया हमारे, वही फैक्टर करना है, ठीक है। आगे देखते हैं, अब यहां से एक्स पावर 4 माइनस 576 एक्स स्क्वायर, अब ये माइनस लगा हुआ, ब्रैकेट ओपन होगा तो ये माइनस साइन जो है चेंज हो जाएगा, ये माइनस हो गया, फिर हो जाएगा 100 स्क्वायर प्लस 576600 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इस टर्म में देख रहे हैं कॉमन क्या आता है, एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा तो यहां हो गया एक्स स्क्वायर, बचा यहां पे कितना, एक्स स्क्वायर ही बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 576, ठीक है। अब यहां पे हम क्या करेंगे, माइनस 100 साइन कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, तो हमने यहां माइनस 100 कॉमन ले लिया। अब माइनस साइन कॉमन गया तो ये साइन चेंज हो जाएगा, बचेगा क्या हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस 576, क्यों, क्योंकि 100 से अगर इसको हम डिवाइड किए तो सिर्फ 576 बचेगा इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 576 और एक टर्म ये बन जाएगा एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 100 इज इक्वल टू 0। अब कंपेयर कर लेते हैं, इसको अगर हम कंपेयर करें तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 576 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 576, एक्स इज इक्वल टू 576 किसका स्क्वायर है, 24 का, एक्स इज इक्वल टू 24 हो गया, ठीक है। अब यहां से अगर हम कंपेयर करते हैं इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 100 इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 100, माइनस प्लस हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू 100 किसका स्क्वायर है, 10 का, तो एक्स इज इक्वल टू 10, हमारे एक्स के वैल्यू 2 आ गया इसमें, तो दोनों पॉजिटिव है, इसका मतलब हम एक्स का वैल्यू 10 भी, जो हमारा बेस है वो 10 भी हो सकता है और 24 भी हो सकता है, करेक्ट। तो ये हमारा एक्स का वैल्यू 10 और 24 दोनों आ सकता है, इसका मतलब यहां पे हमारा बेस कितना आ गया, बेस इज इक्वल टू 10, 24 दोनों रख सकते हैं, यही हमारा आंसर होगा, ठीक है।